हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग मेरे घर से हम गैंगटॉक जा रहा हूँ। अभी हम लोग पोकला भी एक जगह है रुमते के पास में, पोकला भी आप देख सकते हैं। यहाँ का व्यू हम लोग आप लेंगे इस व्यू की। देखिए ये माउंटेन्स, ये पहाड़ियाँ, ये ग्रीनरीज कितना अच्छा लग रहा है। इस ड्रेइंग फ्लाइक्स कहते हैं, चलो आपको दिखाते हैं आगे। बुद्धिस्ट का एक गुरु का है, ये गुरु का स्टैचू जो तप करते थे। अभी हम लोग एक ये पहाड़ को काट के बनाया है ये रास्ता, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला बड़ा पत्थर पत्थर है। आज का दिन बहुत अच्छा है, सनी डेज है, घूमने के लिए बहुत अच्छा ही है। लेकिन आज मैं गैंगटॉक में अपना ऑफिस में जा रहा हूँ। आज आफ्टर लॉन्ग टाइम में ऑफिस में जा रहा हूँ। दोस्तों से मिलेंगे, लगभग 2 महीना हो गए बाहर रह हुआ। ये एक टैक्सी है, यहाँ का मोस्ट पॉपुलर टैक्सी ऑटो रेट। जैसे कि आप लोग उधर प्लेन्स में देखते हैं, हम लोग ऑटो वन ऑफ द बेस्ट एंड चीपेस्ट वाला, वैसे ही वही है ये ऑल्टो ऑटो 800। गाड़ी सामने निकल आए हैं हर कुछ, और बाकी एक आगे वंश के मनस्ट्री है रोहतक मनस्ट्री, और ये ओल्ड मनस्ट्री उसका ही दूसरा है, ये ओल्ड मनस्ट्री स्टैंडर्ड बेस गेट देख सकते हैं आप। वैसा है इसलिए ठंडे है। सिक्किम का वन ऑफ द रिचेस्ट मोनेस्ट्री ये रुपतेक मोनेस्ट्री भी कहते हैं। और यहाँ से जो बुद्धिस्ट कंट्री है बाहर से भी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। आज तो मोनेस्ट्री हम लोग नहीं ले जा सकते, बट यू कैन शो द सो योर आइडेंटिटी कार्ड, प्रॉपर आइडेंटिटी इज वेरी नेसेसरी। या दैट्स मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज बिफोर एंटरिंग वी हैव टू शो द आइडेंटिटी कार्ड, otherwise the guards are not allowed to enter into the monastery. के आपको दे देता है। सो यहाँ का खाना आप जैसे कि इन विलेज लाइफ बेहतरीन है। करने के समय आपको
भाई का बाइक हो वैसे भी भाई का थोड़ी सा है। अब आगे से दो रास्ता बन जाएगा, आपको दिखा देंगे कि अब जैसे लेफ्ट लेंगे तो आपको रुमतेक क्या रुमतेक नहीं रंग का गुम्पा होते हुए रंग का मनस्ट्री होते हुए आपको गैंगटॉक भी पहुँचा गया ये रास्ता भी। लेकिन हम लोग आज जल्दी ऑफिस जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा रास्ता जाएंगे यहाँ से अदमपुर होके उसके बाद मेफियर होके हम लोग गैंगटॉक जाएंगे। यहाँ से मिलेगा वन ऑफ द बेस्ट व्यू। लेट मी शो यू गाइस ये पूरा पहाड़ी गैंगटॉक है, ये पूरा पहाड़ बहुत बड़े एरिया में फैला है। रात को ये लाइट की वजह से बहुत अच्छा दिखता है। जूम करके दिखा रहा हूँ और ये है ओल्ड किला पैलेस हम कहते हैं इसे। यहाँ पर बहुत छोटी सी दिख रहा है यहाँ तक, रात को यहाँ पर बहुत अच्छा सीन दिखेगा, ये पूरा एक पहाड़ी ग्लो होता हुआ दिखेगा लाइट की वजह से। ठीक है लेट्स गो। अभी रेनी सीजन में हर तरफ ये पानी बहने का आवाज़ आता है पर कहाँ से आ रहा है वो भी पता नहीं है। यहाँ पर एक पानी आने का पानी बह रही है। अगर रेनी सीजन में आप लोग आ रहे हैं तो समझ लेना दिन में दो दिन बारिश होने वाला है और एक दिन खुलने वाला है, तो बी प्रिपेयर क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द मोस्ट ज़्यादा पानी आने वाला प्लेस है। अभी असम का हाल सब लोगों को पता ही है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होता है इंडिया में, पर वो भी अच्छा ही है एक तो बारिश ज़्यादा होने। एक्चुअली मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, शायद आप लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा होगा। आपको क्या करें ऐसा ही है, धीरे धीरे यूज कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ जाए। जितना हो सके आपको जितना हम लोग बोल सकते हैं उतना बोल के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ में होगा कि आप लोगों का हिंदी क्या है, कोई भी लैंग्वेज में हंस भी रहा होगा, लैंग्वेज का असली लैंग्वेज का असली काम और महत्व यही है कि एक दूसरे का भावना को समझ ले। लैंग्वेज का मेन मोटिव ही वही है। आई थिंक वो तो हम लोग कर रहे होगा, जो हम लोग बोल रहे होगा हमारा जो व्यूअर्स दोस्त लोग है वो समझ रहे होगा आई थिंक ऑल्सो।
बारिश की वजह से यहाँ पर रोड ही दब गया। देखो देखो ये रोड दब गया है, चल रहा है। जगह लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड होने के वजह कभी कभी तो गाड़ी बंद रहते हैं, रास्ता खुलने में टाइम लगते हैं, ये दिक्कत है। फिर भी हम लोग कुछ सुनाने के लिए कुछ होना पड़ता है, सहना पड़ता है, क्या करें, जो प्रकृति है जो करता है तो सबको सहना ही है। दिक्कतें तो सभी जगह है, आप लोग तो खुद आप लोग जहाँ रहता है उधर कुछ ना कुछ समस्या तो होता ही रहता है। यहाँ पे भी एक समस्या है, वही लैंडस्लाइड का रोड ब्लॉकेज होना है। फिर भी सही जो प्रकृति करता है वो सही करता है, ऐसा कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये भी होता है तो अच्छे के लिए भी होता है। ऐसे बिलीफ रखना चाहिए क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो तभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम लोग हमेशा नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे तो लाइफ में कुछ भी पता नहीं, दूसरों को घोसते 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 जीवन निकल जाएगा लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए दूसरा हो कुछ भी हो वो जीवन में ठीक था पैशन होकर उसके साथ लड़ो, उसको उसके लिए कुछ उपाय निकालो, यही है जीवन दोस्तों। घूमे फिरे, नए नए जगह जाए, एक्सप्लोर करे, दैट्स लाइफ। और क्या है ज़िंदगी में, सबको सम्मान दें, सबको रेस्पेक्ट करें, सबको अच्छा सोचें, तो अच्छा ही होगा। अगर आप लोग किसी को अच्छा चीज़ देंगे तो आपको अच्छा ही चीज़ रिटर्न मिलेगा, अगर आप किसी को गाली देंगे तो आपको गाली मिलेगा, और किसी को आप अच्छा बोलेंगे तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा। ये है ज़िंदगी, ये है लाइफ। जैसे कि हमारा जीवन एक लाइफ ऑफ रिफ्लेक्टर, किसी को हम लोग अच्छे बोल देंगे वो भी अच्छे बोलेगा, उसको बुरा भला करके बुरा कैसा लग रहा है। वेरी नाइस। अच्छा वाला इस बाइक पे हेलमेट मैंने ऊपर घर पे ही छोड़ दिया और ये पड़ रहा है। और के बाद और दूसरा बात है जिसने दुनिया को कनेक्ट किया था, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सिक्किम। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक का बहुत समस्या है, नैरो रोड होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है।
ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। बाइक राखेको मलाई दिएको छ नि त मजाले।